हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो टर्बो मशीनरी में हम यूनिट वन देखेंगे जिसका नाम है एनर्जी ट्रांसफर इन टर्बो मशीन। तो पार्ट वन में हम सिंपली देखेंगे टर्बाइन का इंट्रोडक्शन, टर्बाइन क्या होता है, टर्बाइन काम कैसे वो करता है, उसके फंक्शंस, उसके पार्ट्स, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं टर्बाइन का डेफिनेशन, टर्बाइन एक्चुअली होता कैसा है। ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये टर्बाइन का काम, ये है हमारा टर्बाइन। ठीक है, अब हम कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर डिस्कस करते हैं फर्दर अबाउट टर्बाइन। ओके, तो टर्बाइन आर डिफाइंड एज द हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। टर्बाइन का, सिर्फ टर्बाइन का, ठीक है, होल सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ कि जनरेटर भी कनेक्ट हो, ठीक है, सिर्फ मैं टर्बाइन ब्लेड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो काम क्या है टर्बाइन का, हाइड्रोलिक एनर्जी जो हमारा है उसको क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब आप कहोगे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो फिर इलेक्ट्रिक कैसे मिलता है, तो उसका वो किसका काम है, वो टर्बाइन का काम नहीं है। टर्बाइन का ये जो काम, कितना काम था, हमारा फ्लूइड अंदर आया, विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड हमारा टर्बाइन रोटेट हुआ, तो ये क्या हो रहा है, हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्ट इंटू मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि टर्बाइन रोटेट हो रहा है। अब टर्बाइन से हमारा कनेक्ट है शाफ्ट, अब ये शाफ्ट रोटेट हो रहा है, शाफ्ट किससे कनेक्टेड, जनरेटर से, तो इस जनरेटर का काम है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, टर्बाइन का क्या काम है, हाइड्रोलिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, ये टर्बाइन का काम है। ठीक है, अब देखें, दिस मैकेनिकल एनर्जी इज यूज इन रनिंग एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विच इज डायरेक्टली कपल टू द शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन। देखिए, जनरेटर से शाफ्ट कनेक्ट है जो कि डायरेक्टली किससे कॉन्टेक्ट में है, टर्बाइन के। दस द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द इलेक्ट्रिक पावर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिक एनर्जी इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो, अब जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिला वो कैसे मिला, आप क्या बोलोगे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स टर्बाइन से आपको मिला, नहीं देखो, हाइड्रोलिक, पहले तो हाइड्रोलिक एनर्जी था ना, हमारा वाटर स्टेबल है, वाटर का फ्लो हो रहा है, दैट इज हाइड्रोलिक एनर्जी, तो हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। सो हम कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक पावर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलिक एनर्जी, ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलिक, जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिला है वो किससे ऑब्टेन है, हाइड्रोलिक एनर्जी से, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ओके, अब कुछ फिगर देख लें, जैसे कि इस फिगर को भी आप समझें, ये हमारा डैम है जहाँ पे क्या है, वाटर स्टेबल कंडीशन, रेस्ट कंडीशन में, वाटर जब रेस्ट कंडीशन में, दिस मीन्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, ऊपर में क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट दैट डैम मैक्सिमम। नाउ व्हेन द वाटर कम्स थ्रू द पाइप इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर विल बी इंक्रीजेस, एंड व्हेन कम्स इनटू द नोजल तो ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर इंक्रीजेस, ड्यू टू दिस वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस एंड द प्रेशर विल बी डाउन। ठीक है, नोजल का सिस्टम तो आप पढ़ रहे होंगे, नोजल का काम क्या होता है, प्रेशर को डिक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है आपकी फ्लूइड की तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, ये हमारे नोजल का काम होता है। आप FM में पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में नोजल का असली काम। ठीक है, ओके, अब कुछ और डायग्राम देख लेते हैं। तो ये फिगर देखें, ये देखिए एनिमेटेड फिगर है कैसे काम कर रहा है, आपको टर्बाइन का एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा फ्लूइड आ रहा है, ये नोजल से क्या हो रहा है, यहाँ प्रेशर डाउन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है यहाँ पे फ्लूइड की, ड्यू टू दिस वेलोसिटी ऑफ वाटर विल बी इंक्रीजेस एंड इन दिस इन द फॉर्म ऑफ जेट के फॉर्म में हमारा वाटर नोजल से बाहर आ रहा है। और ये जो टर्बाइन की, ये टर्बाइन है रनर, दैट इज रनर से क्या कनेक्ट है, हमारा बकेट बोलें, अगर स्ट्रेट है तो उसे हम वेन्स बोलते हैं, और ऐसा कुछ कर्व स्टेप में बना हुआ, अलग अलग टर्बाइन है, अलग अलग उसके ब्लेड्स होते हैं, जो कर्व प्लेन है इसलिए हम इसे बकेट बोल रहे हैं। अब ये जेट जब हमारे बकेट से टकराता है तब क्या होता है, टर्बाइन रोटेट होना स्टार्ट होता है। और टर्बाइन से आप देखोगे, इस टर्बाइन से ये जो बेल्ट के थ्रू, ये हमारा एक जनरेटर कनेक्ट है, तो इस जनरेटर का क्या काम है, ये जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये देखिए इनलेट, ये हमारा इनलेट हुआ, ये नोजल हुआ यहाँ पे, और ये स्पीयर रॉड का क्या है, ये आपके वेलोसिटी को कम ज़्यादा करता है। ठीक है, ये इंपेलर हो गया आपका, और रनर जिसे हम बोलते हैं अंदर वाला पार्ट, इंपेलर या रनर, उससे क्या कनेक्ट है, बकेट या वेन। अब ये देखो, ये लिक्विड आकर हमारे बकेट पर टकराया, उसके बाद ये डिस्चार्ज हो गया, यहाँ से बाहर आ गया। देखिए, ये इस यहाँ देखिए, ये नोजल क्या होता है, हमारा हमेशा फिक्स होता है, चाहे एक पॉइंट पे यहाँ भी हो सकता है नोजल, और यहाँ भी हो सकता है, या फिर यहाँ और यहाँ, दोनों दो नोजल हेल्प करते हैं कि हमारा टर्बाइन ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करे। ठीक है,
तो आई थिंक आपको ये टॉपिक और ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें. ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.